नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम पिक्सल इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी छत पे, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पैरेलल कंट्रोलर, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे पैरेलल कंट्रोलर अवेलेबल है। ये वाला कंट्रोलर जो है हम इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग 100 LED का चेन बना लिए हैं, ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है पिक्सल है, जो कि मैंने क्या किया है केबल टाई में गूथ रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है एक डायरेक्शन में दिखे, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ कुछ बिछा करके रखा हुआ है यहाँ पे केबल टाई पिक्सल को बिछा करके। यहाँ मैं अभी जो है इसमें 100 LED वाला जो है यूज करने वाला हूँ, और यूज करने वाला हूँ पैरेलल कंट्रोलर को। यहाँ पे मैं इसी का कनेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, और इसके लिए जो मैं कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पावर सप्लाई के लिए मैंने 1.5 mm का वायर लिया हुआ है, और जो है पावर सप्लाई मैंने रेनप्रूफ 70 A का लिया हुआ है, और कुछ जो है इसको मेल कनेक्टर लिया हुआ है। इसको जो है हम लोग पावर देने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट एंड पे, ठीक है। जैसे मैं दिखा दूँ पिक्सल का, जैसे आप देख पा रहे हैं ये, तो इसको जो है हम ये कनेक्ट करके फिर जो है कंट्रोलर में डेटा प्रोवाइड करेंगे। और ये ग्रीन कलर का वायर जो है हमने लिया हुआ है डेटा जोड़ने के लिए। तो इन सभी का इंस्टॉलेशन करेंगे, और फिर मैं आपको इसका शेयर करूंगा कि कनेक्शन कैसे करना है। मेरा टोटल यहाँ पे 20 लड़ी है 100 LED का, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कंट्रोलर यूज किया है, जो कि अलग अलग 0 1 0 1, यहाँ गलती से 3 लिख गया, ये 2 होगा, ठीक है, 0 1 2। और इसको जो है हम लोग अभी कनेक्ट करके देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या करना होता है। चलिए दोस्तों हम वायरिंग से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वायर ले लेते हैं, ठीक है, वायर ले लेते हैं। और वायर पहले हम लोग जो है यहाँ से वहाँ पे पूरा वायर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं पिक्सल, जो कि इधर छत है हमारा। तो पहले हम वायर बांध करके उसमें पावर सप्लाई जोड़ेंगे। यहाँ से जो है हम वायर खींच करके पूरा यहाँ से वहाँ पहले हम वायर ही जोड़ लेंगे, उसके बाद जो है फिर जो है पिक्सल लटकाएंगे। जो है हम लोग पिक्सल यहाँ पे लटकाने वाले हैं, तो मैं दिखा दूँ मैंने क्या किया है। मैंने 100 LED का जो है बना लिया है केबल टाई करके, ठीक है। तो यह देख सकते हैं मैंने क्या किया है, 2 एक्स्ट्रा वायर डाला हुआ है जो कि 50 के बाद कनेक्टेड है। ये इसलिए डाला है क्योंकि मैं यहाँ 100 LED लटकाने वाला हूँ। 100 LED लटकाने के बाद क्या होता है ना, अगर आप पावर नहीं यूज करेंगे तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मैंने यहाँ जो पिक्सल ज्वाइंट किया हुआ है यहाँ पे इस वायर को जोड़ करके ऊपर ही जोड़ दूंगा, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से कनेक्ट हो। अब मैं इसको लटकाने वाला हूँ। और इसी तरीके से मैं 20 से 20 पट्टे को लटकाऊंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कनेक्शन करके कैसे इसको कनेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये पैरेलल कंट्रोलर का लाइव वीडियो मांग रहे थे कि वो कैसे कनेक्शन करना है, और आपने इसको जो है अभी तक प्रोजेक्ट में चलाकर दिखाया नहीं है। तो आज आप वही दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए हमारे चैनल। ये देखिए मैंने इसको लटका दिया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे गया है क्योंकि ये 40 फीट है, मेरा बिल्डिंग का हाइट काफ़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे पैरेलल कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ, ताकि जो है मुझे डेटा जो है नीचे एस कनेक्शन नहीं करना होगा। फिर मैं इसका फाइनल वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब हम लोग आ गए वायरिंग सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कंट्रोलर लगा दिया, तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने जो है
सबसे पहले दो पावर सप्लाई का वायर लिया था, ठीक है। यहाँ पे पावर सप्लाई के वायर से सारे पिक्सल को पावर मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस और माइनस, और सारे पिक्सल में जो है कनेक्टर लगा करके मैंने डेटा डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल डेटा यूज किया है क्योंकि ये पैरेलल कंट्रोलर है। तो यहाँ पे देखिए हर एक से डेटा निकला हुआ है और हर एक से डेटा जा करके यहाँ जो है हमारा कंट्रोलर में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलर में डेटा जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 ऐसे करके मैंने पैरेलली सिक्वेंसली 1 2 3 करके डेटा को जो है सब में जोड़ दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर सप्लाई लगा दिया। पावर सप्लाई में देखिए आपको यहाँ पे L और N लिखा है, तो उसमें मैंने 220 वोल्ट डाल दिया है। V प्लस और V माइनस में मैंने ये दो वायर जोड़ करके यहाँ पे जो है प्लस वाले को और माइनस वाले को जोड़ दिया है, ठीक है। तो इससे पावर सप्लाई मिल गया पिक्सल वाले को, और इसी पावर सप्लाई से मैंने दो वायर निकाला है और डायरेक्ट कंट्रोलर को पावर दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए V प्लस V माइनस लिखा हुआ है, इस ये V प्लस है ये V माइनस है। तो मैंने क्या किया, तीनों पोर्ट को दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट पोर्ट को, सेकेंड को, फिर थर्ड को, ठीक है। और ये जो पॉइंट वायर होता है ये DMX वाला होता है। अब देखिए रेड वाला मैंने इसके इस साइड लगाया है, तो इसमें भी इस साइड लगाया है और इसमें भी इस साइड लगाया है, और ग्रीन वाला जो है इस साइड लगाया मैंने, तो ये भी इस साइड लगाया है, फिर ये भी इस साइड लगाया है। ऐसे के कंट्रोलर सिंक्रोनाइज हो गया है, 0 1 2 ये 2 होगा, ठीक है। और मैंने इसको एक डब्बे में डाल दिया है ताकि ये रात में जो है सेफली रहे, वाटरप्रूफिंग रहे। इसको जो है अभी ठंड का टाइम है, तो ठंड के कारण जो है ये डैमेज हो सकता है, मतलब कुहासा के कारण, तो इसलिए मैंने जो है ये लगाया। तो अभी नीचे का वीडियो तो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, नाइट हो जाएगा, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। बाकी दूसरा पावर सप्लाई जो है मेरा यहाँ लगा हुआ है, मैंने एक पावर सप्लाई पे जो है टोटल आपको जो है टोटल 10 लड़ी लगाए हैं 100 वाले, और दूसरे पे फिर मैंने जो है सेंटर में पावर सप्लाई लगाया है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो वायर निकाल करके मैंने इसी में जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी पावर सप्लाई से मैं और भी पोर्ट का यूज करके यहाँ डालूंगा ताकि मेरा एम्पियर बना रहे और वोल्टेज का आउटपुट जो है प्रॉपर निकले, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से पैरेलल कनेक्शन का वायरिंग किया हुआ है, और इसमें कोई एक लड़ी ख़राब भी हो जाए, कोई आधे से भी बंद हो जाए, उससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए पैरेलल कंट्रोलर बेनिफिट है। और ये कंट्रोलर किन्हीं को मंगवाना है, तो ये 5 दिसंबर के बाद हमारे पास अवेलेबल होगा, अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो आप 5 दिसंबर के बाद कॉन्टेक्ट करें हमारे से, ठीक है। तो आगे डिज़ाइन का वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पिक्सल LED से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो हमारे पास आते ही रहते हैं। थैंक यू।